यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं बरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? सुबह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें, क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है,
कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रहे, सो वह वहां 2 दिन तक रहा। और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाख रस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।